गुड मॉर्निंग स्टूडेंट एंड वेलकम टू श्री एकनाथ राव खड़से टैलेंट स्कूल मुक्ताई नगर ऑनलाइन ट्यूटोरियल। आई एम सचिन पाटिल योर कंप्यूटर टीचर एंड टुडे वी आर गोइंग टू लर्न चैप्टर 5 वर्कशीट 2। व्हाट इज आवर चैप्टर नेम? इंट्रोडक्शन टू कीबोर्ड एंड वर्कशीट 2। आई एम राइटिंग माई नेम हियर। You write your name in this way, okay? Now what is the question? I am reading the first question. You listen, okay? See, what is the first question? Answer the following, okay? See. Write the names of any 4 special keys. Write the names of any 4 special keys. Which are that 4 special keys? कौन सी 4 special keys होती है? Yes. First is enter key. Second, shift key. Third, caps lock key. And fourth, that is backspace key. These are the 4 special keys, okay? How many cursor control keys are there? There are 4 cursor control keys. How many? There are 4 cursor control keys. कितनी cursor control keys होती है? There are 4 cursor control keys. 4 cursor control keys होती है. कौन सी होती है वो? Left, right, up and down. ये 4 कर्सर कंट्रोल कीज होती है. What is the use of numlock key? Numlock key are used to type the number. Numlock key are used to type numbers. Numlock key is used to type the numbers. Next question, fill in the blanks. 1, 2, 3, 4, 5. These are the 5 words. That words we have to write in the fill in the blanks. I am reading the first fill in the blanks. You listen. The cursor control keys are used for moving the cursor on the monitor. What you write here? Cursor. The cursor control keys are used for moving the cursor on the monitor. जो cursor control keys होती है वो उस cursor को, cursor माने वो arrow वाला point, that is called cursor. उस cursor को monitor पे move करने के लिए help करती है. आया समझ में? Now next, when the dash dash key is off,
यू कैन नॉट यूज द नंबर कीज ऑन द राइट साइड ऑफ द कीबोर्ड व्हेन द नमलॉक व्हेन द नमलॉक नम लॉक व्हेन द नमलॉक की इज ऑफ When the numlock key is off, you cannot use the number keys on the right side of the keyboard. कीबोर्ड के राइट साइड में जो की नंबर की होती है वो नमलॉक की अगर आपने प्रेस की तो नंबर्स आप टाइप नहीं कर सकते. You cannot use the number. Next. डिलीट की इज यूज फॉर इरेजिंग द लेटर. कौन सी की? डिलीट. डिलीट की इज यूज फॉर इरेजिंग द नंबर इरेजिंग द लेटर रिटन ऑन द राइट साइड ऑफ द कर्सर. कर्सर के राइट साइड में जो भी लेटर होता है डिलीट द की. डिलीट की इज यूज फॉर इरेजिंग द लेटर. लेटर माने जो हम लोग टेक्स्ट टाइप करते हैं दैट टेक्स्ट जो राइट साइड में टाइप किया हुआ लेटर होता है वो क्या होता है इरेज होता है डिलीट होता है. किसकी हेल्प से? डिलीट की हेल्प से. डिलीट की इज यूज फॉर इरेजिंग द लेटर रिटन ऑन द राइट साइड ऑफ द कर्सर. कर्सर के राइट साइड में लिखा हुआ डिलीट हो जाता है डिलीट की बटन दबाने से. नाउ शिफ्ट की. कौन सा की? शिफ्ट की. शिफ्ट की इज यूज टू टाइप द लेटर इन अपर कैप्स लॉक की. सॉरी व्हाट यू राइट हियर? कैप्स लॉक की. कैप्स लॉक की इज यूज टू टाइप द लेटर इन अपर केस. कैप्स लॉक की इज यूज टू टाइप द लेटर इन अपर केस. व्हेन वी प्रेस द कैप्स लॉक की. अगर हम लोग कैप्स लॉक की प्रेस करते हैं तो हम लोग हमारे लेटर्स कैपिटल लेटर में टाइप कर सकते हैं. कैप्स लॉक की इज यूज टू टाइप द लेटर इन अपर केस. द शिफ्ट की इज यूज टू टाइप स्पेशल कैरेक्टर. द शिफ्ट की. Here you write shift key. The shift key is used to type a special character. हम लोग special character type करने के लिए shift key की help लेते हैं. Now turn the page. What is the question? Match the following. यहाँ पे क्या करना है आपको? Match the following करना है. यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कीज दी गई है 1 2 3 4 5. 5 कीज है एंड 5 कीज के नेम्स यहाँ पर है. हमें मैच करना है. डिलीट अ लेटर. लेटर को डिलीट करने के लिए कौन सा की यूज किया जाता है? बैकस्पेस की. डिलीट अ लेटर बैकस्पेस की. इसको यहाँ जोड़ना है. नेक्स्ट लाइन. हमें नेक्स्ट लाइन पे कौन सा की लेके जाता है? एंटर की. एंटर की हमें नेक्स्ट लाइन पे लेके जाता है. ब्लैंक स्पेस. दो शब्दों में जगह कौन छोड़ता है? अगर हमें दो शब्दों में जगह छोड़नी है तो हम लोग कौन सा की दबाते हैं? स्पेस बार की. दिस इज कॉल्ड स्पेस बार की. इट इज द लॉन्गेस्ट की ऑन द कीबोर्ड. ब्लैंक स्पेस तो खाली जगह छोड़ने के लिए. ब्लैंक स्पेस माने खाली जगह. खाली जगह छोड़ने के लिए स्पेस बार की यूज करते हैं हम लोग. लोअर केस एंड अपर केस के लिए कौन सा की यूज करते हैं हम लोग? कैप्स लॉक की. मूविंग द कर्सर. लेफ्ट राइट टॉप अप एंड डाउन. कौन सा की लेके जाता है हमें? मूविंग द कर्सर. ये इन दिस वे वी कैन मैच द पेयर. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स. 1 2 3 4 5 ये 5 स्टेटमेंट है.
अगर ये स्टेटमेंट ट्रू है, करेक्ट है, तो यहाँ पे टी लिखो। अगर ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, रॉन्ग है, फॉल्स है, तो यहाँ पर एफ लिखो। आया समझ में? आई एम रीडिंग द फर्स्ट सेंटेंस, यू लिसन। द नम लॉक की इज प्रेजेंट ऑन द नम पैड। द नम लॉक की इज प्रेजेंट ऑन द नम पैड। यस, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। नम लॉक की नम पैड पे प्रेजेंट होती है। यू राइट हियर टी। अ ब्लैंक स्पेस कैन बी गिवन बाय द प्रेसिंग द बैक स्पेस की। अ ब्लैंक स्पेस, हम लोग अगर दो शब्दों में ब्लैंक स्पेस छोड़नी है तो हम लोग बैक स्पेस की दबाते हैं क्या? नहीं। तो हम लोग कौन सा की दबाते हैं? स्पेस बार की दबाते हैं। तो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। व्हाट यू राइट हियर? एफ। अ ब्लैंक स्पेस कैन बी गिवन बाय प्रेसिंग द बैक स्पेस की। दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। देयर आर टू शिफ्ट कीज ऑन द कीबोर्ड। यस, हमारे कीबोर्ड पे दो शिफ्ट कीज होती है। टू शिफ्ट कीज ऑन द कीबोर्ड, दो शिफ्ट की हमारे यहाँ कीबोर्ड पर होती है। दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। यू राइट हियर टी। द कैप्स लॉक की कैन नॉट बी स्विच ऑफ। द कैप्स लॉक की कैन नॉट बी स्विच ऑफ, हम लोग को कैप्स लॉक की स्विच ऑफ नहीं करना चाहिए। दिस स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स? दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। हम लोग कर सकते हैं कैप्स लॉक की को स्विच ऑफ, हम लोग कर सकते हैं। द बैकस्पेस की इज यूज टू इरेज अ टेक्स्ट। द बैकस्पेस की इज यूज टू इरेज अ टेक्स्ट। यस, बैकस्पेस की टेक्स्ट को इरेज करने में हेल्प करता है। दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। आया समझ में? नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द कीज यू विल यूज टू डू द फॉलोइंग टास्क। नेम द कीज, उस की का नाम लिखो। नेम द कीज माने की का नाम लिखो। यू विल यूज टू डू द फॉलोइंग टास्क, ये टास्क करने के लिए, ये जो टास्क दिया है 1 2 3 4 5 फाइव डिफरेंट टास्क है, अलग अलग टास्क है, ये टास्क परफॉर्म करने के लिए तुम आप लोग कौन सा की यूज करोगे? आई एम रीडिंग द फर्स्ट सेंटेंस। इरेज अ नंबर टू द राइट ऑफ द कर्सर। इरेज अ नंबर, इरेज अ नंबर टू द राइट ऑफ द कर्सर। कर्सर के राइट में नंबर्स को इरेज करने के लिए हम लोग कौन सा की यूज करेंगे? डिलीट की। कौन सा की? डिलीट की। आया समझ में? हम लोग डिलीट की यूज करेंगे। डिलीट की। गिव अ ब्लैंक स्पेस बिटवीन टू वर्ड्स। ब्लैंक स्पेस छोड़ने के लिए, दो शब्दों में ब्लैंक स्पेस छोड़ने के लिए हम लोग कौन सा की यूज करेंगे? स्पेस बार की। कौन सा की? स्पेस बार की। आया समझ में? टाइप द नंबर 5। 5 नंबर को टाइप करने के लिए हम लोग कौन सा की यूज करेंगे? न्यूमेरिक। न्यूमेरिक की। टाइप अ लेटर। लेटर को टाइप करने के लिए हम लोग कौन सा यूज करेंगे? अल्फा न्यूमेरिक। अल्फा न्यूमेरिक की। अल्फा न्यूमेरिक की। मूव द कर्सर टू द नेक्स्ट लाइन। मूव द कर्सर टू द नेक्स्ट लाइन। नेक्स्ट लाइन पे जाने के लिए हम लोग कौन सा की यूज करते हैं? एंटर की। एंटर की। मूव द कर्सर टू द नेक्स्ट लाइन, एंटर की। मतलब नेक्स्ट लाइन पे जाने के लिए हम लोग एंटर की यूज करते हैं। सो इन दिस वे, दिस इज द एंड ऑफ दिस चैप्टर। वी विल कम ऑन द नेक्स्ट सेशन विथ नेक्स्ट चैप्टर। थैंक यू स्टूडेंट्स।